लिसनर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आपने देखा है था कि हम लोग जो गए थे पारादीप, सांडला और गोरखनाथ एक ही दिन में घूम के चले आए थे, पर ये ट्रिप ख़त्म नहीं हुई थी, हम लोग और एक दिन एक्सटेंड किए थे यहाँ पे रहना। मैं हमने हमारा जो स्टे एक दिन एक्सटेंड किया था और उसी दिन मैं अपने छोटे भाई के साथ घूमने चली गई थी बाइक ट्रिप पर। और हम दो जगह घूमने के लिए गए थे, एक थे आश्रशंभु टेम्पल और एक था पंचसखा धनकुट टेम्पल। ये जो दो टेम्पल है वो काफ़ी पॉपुलर और फेमस है इस एरिया में। तो हम लोग आश्रशंभु टेम्पल गए। यहाँ पे जो खासियत है ये है कि देर आर एट शिवलिंगम विट वर्शिप्ड हियर। और मैं ज़्यादा मतलब जहाँ पे शिवलिंगम था मैंने वहाँ पे ज़्यादा मतलब यू नो शूट नहीं किया था क्लोजअप, मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर के अंदर जाकर आइडल को शूट करने के लिए, तो इसलिए मैंने मंदिर को मतलब दिखाया है। अगर आप यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली ये जगह घूम के जाना, बहुत ही मतलब यू नो पावरफुल प्लेस है। और यहाँ से मतलब जाने के बाद इसके थोड़ी ही आगे आपको पंचसखा धनकुट टेम्पल दिखाई देगा और ये एक्चुअली एक जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये जो पंचसखा धनकुट टेम्पल है ये एक जगन्नाथ मंदिर है और जहाँ पे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो टेम्पल है ये एक्चुअली एक नदी के अंदर है, तो जब कभी बाढ़ आ जाती है और नदी में बहुत सारा पानी होती है तो मंदिर में भी पानी आ जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, चलिए मैं आपको मंदिर घुमा के दिखाती हूँ। As you can see, this temple looks like a chariot. और ये आप जो मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे आपको लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और देवी सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कह चुकी हूँ कि मुझे मंदिर जाकर मतलब आइडल की फ़ोटो उठाना मतलब फ़ोटो लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए फ़ोटो नहीं लिया है। So after spending some peaceful time in this temple, we came back and on the same day we returned to Bhubaneswar. So I hope you have liked this video, and if you are visiting to this area, to this place, then definitely give this place a go, and I am sure that you will never get disappointed. So let's meet in the next video. Till then, bye bye.